हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस करेंगे, फिर हम लिमिटेशंस करेंगे कि प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है? एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक्चुअली में दिशा दिखाती है। प्लानिंग क्लियर कर देती है कि एक एम्प्लॉय को क्या करना है और कैसे करना है। तो प्लानिंग क्या करती है? डायरेक्शन दिखाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या है? जो अनसर्टेन रिस्क है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी अफेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे डील करना है, उस रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट एक डायनामिक है और फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्लानिंग क्या करती है? आपके रिस्क को, जो अनसर्टेन रिस्क है, उसको थोड़ा रिड्यूस कर देती है कि आप पहले से ही क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं, सब कुछ सारी अजम्पशंस लेके चलते हैं कि कौन सी चीज हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी। तो इसीलिए प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या करती है? सारे अल्टरनेटिव यूजेस, जो अवेलेबल प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सबको एनालाइज करती है और मेक श्योर करती है कि सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए और ओवरलैपिंग ना हो, किसी भी काम की डुप्लीकेशन ना हो और वेस्टफुल एक्टिविटी को हम लोग एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ऑब्वियसली प्लानिंग का मतलब है टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत शार्प रखना पड़ता है, बहुत ओपन रखना पड़ता है, ताकि आपको इनोवेटिव आइडियाज आए, बहुत क्रिएटिव आइडियाज आए, जिससे आपका काम इजीली हो जाए और आपके अनसर्टेन रिस्क है जो वो भी क्या हो जाए, एंड हो जाए। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग मैनेजर को जब फ्यूचर को देखने में मदद करता है, फ्यूचर को प्लान करने में मदद करता है और चूज करने में मदद करता है उन डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस में से, तो दैट इज वहीं पे प्लानिंग उन मैनेजर्स को हेल्प भी करता है डिसीजन मेक करने में। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगा लेते हो, तो उसको आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके चलते हो। इसीलिए प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक सेट स्टैंडर्ड भी सेट करता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि एक सेट स्टैंडर्ड को सेट करना, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सको, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो आपने डिटरमाइंड गोल थे उनको कंपेयर कर सको, डेविएशन फाइंड कर सको और उसको रिड्यूस करने के मेजर्स को भी फाइंड कर सको। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी एक लिंक क्रिएट करता है। दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक कठोरता का भी भाव होता है। प्लानिंग वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज देम। जब फ्यूचर कोर्स को माइंड में रखे कोई भी प्लान किया जाता है, तो ये हमारे क्या है, हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि जब हम उस सिचुएशन में और सडनली कोई डायनेमिक चेंज आया, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, तो अपने प्लान को सडनली चेंज करना। तो इसीलिए प्लानिंग एक रिजिडिटी भी क्या करता है, रिजिडिटी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। डायनामिक मतलब द एनवायरनमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मतलब है द एनवायरनमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। और अगर वो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके प्लान्स को भी तुरंत तुरंत चेंज करना होगा। इसीलिए कहा गया है कि फ्यूचर को फोरकास्ट करना इज नॉट ईजी, और प्लानिंग ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे तुरंत तुरंत चेंज होते हैं, वहाँ पे किसी भी चीज़ को प्लान करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी भी रिड्यूस कर देती है। मैनेजर्स को कोई आइडिया आ गया तो उसी को सब फॉलो करेंगे, एम्प्लॉयज के आइडिया को नहीं सुना जाएगा। कई बार इस तरह की रिजिडिटी भी वर्क प्लेस में अराइज हो जाती है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको चुपचाप मैनेजर्स के आइडिया को या मैनेजर के प्लान को फॉलो करना पड़ता है। इवन तो पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज के जो प्लान है वो मच मोर बेटर हो देन दी मैनेजर। तो इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉस्ट
प्लस टाइम दोनों चीजें क्या है ज्यादा लगती हैं, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कंपनी को प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है टू डिटरमाइन द फ्यूचर, और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट है वो कैसे करते हैं, वो कंपनी का डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही कुछ चीज प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तभी कोई मैनेजर या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लान कर पाती है। तो इसीलिए प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सेम नेक्स्ट है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब जब सारा डेटा आप कलेक्ट करोगे, उस पर एनालाइज करोगे, रूट कॉज एनालिसिस करोगे, फिश बोन डायग्राम करोगे, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं टू डिटरमाइन द फ्यूचर चेंजेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें टाइम भी लगता है। ऐसा थोड़ी है खीर थोड़ी है 2 मिनट में बन जाएगी, नहीं, उसमें टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर को एक बेस देती है कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे की गारंटी नहीं देती है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये सब थी प्लानिंग की लिमिटेशंस। आई होप आपको प्लानिंग की इम्पोर्टेंस प्लस लिमिटेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में प्लानिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।